सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर कुमार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज का टॉपिक है गेहूं का खेत यदि गिर जाए तो उसकी पैदावार को घटने से रोका जा सकता है ये या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज बताने वाला हूँ जिसका मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, बने रहिए वीडियो में। ये हमारा 1.5 एकड़ का गेहूँ का खेत है, इसकी बिजाई हमने करी थी 20 दिसंबर को, और 20 से 21 मार्च की रात्रि में जो तूफान के साथ वर्षा हुई है उसमें ये गेहूँ लगभग आधा खेत गिर चुका है। जैसे कहीं कहीं ये है तो इसी प्रकार से पूरे खेत में गिरा हुआ है, आधा गेहूँ गिर चुका है। इसमें एक प्रयोग क्या है इस वर्ष वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं जो गेहूँ गिरी हुई है उसकी बालियों के दाने दिखाता हूँ। ये गिरे हुए गेहूँ की बाली है, इसको तोड़ के इसके दाने निकालते हैं। देखिए यहाँ बीच बीच में ना ना तुम हो ही रहो, चलो ये है और ये खड़ी बाल है, इसके दा इसकी बाली तोड़ ली। लोही वाले दाने पकड़िए जरा, देखिए ये खड़ी वाली के हैं और ये जो बाली गिरी हुई है उसके हैं। दोनों दानों की मोटाई में कोई अंतर नहीं है, आप देख सकते हैं। ये वाले हैं जो गेहूं गिर गई और ये हैं जो खड़ी है, तो दोनों के एक समान दाने हैं। अब बताते हैं इसमें किस कारण से ऐसा संभव हुआ, बनी रहिए वीडियो में। दोनों बालियों के दाने में एक अंतर तो है कि जो गिरी हुई बाली है वो अभी हरी है और जो खड़ी है वो पूरी तरह से तैयार हो गई, यानी कि खेत में डोड़ हो गई। जबकि गिरने के बाद होता यह है कि जो गेहूँ गिर जाती है वो पहले तैयार हो जाती है, यानी कि उसमें सूख जाती है, हवा निकल जाती है उसमें। और इसमें इस खेत में उल्टा हो रहा है कि जो गेहूँ पड़ी हुई है वो देर से सूख रही है और जो खड़ी है वो जल्दी सूख गई, यानी कि वो जल्दी तैयार हो रही है। अभी इसमें 4-5 दिन की गुंजाइश है पूरे खेत में मिलाकर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पैदावार में कोई अंतर इस खेत की नहीं आने वाला है, पैदावार एक समान ही रहने वाली है। खड़े गेहूं की अपेक्षा गिरा हुआ गेहूं अधिक लेट तैयार हो रहा है, यानी कि यह अच्छे से पक रहा है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे उत्तर भारत में यदि किसी किसान का गेहूं का खेत गिर जाता है तो वो निराश हो जाते हैं और मानकर चलते हैं कि अब गेहूं की पैदावार घट जाएगी। तो गेहूं की पैदावार बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया था, वो प्रयोग बिल्कुल सफल रहा है और ज़्यादा बड़े खर्चे का भी नहीं है। बालियां बाहर निकलने के बाद बालियों में दाना भरने का समय पीरियड 20 दिन का होता है, लेकिन ये गेहूं जब गिरी है तो वो पीरियड के 2 या 3 दिन ही कंप्लीट हुए थे तभी ये गेहूं गिर गई थी। बहुत कच्ची अवस्था में ये गेहूं गिर गई थी, इसमें नुकसान होने की पूरी संभावना थी। गेहूं गिरने के बाद इस प्रकार से बालियों का खड़ा होना इसी बात का प्रतीक है कि ये गेहूँ बहुत ही कच्ची अवस्था में गिरी हुई है, क्योंकि कच्चे लान में जान होती है तो पौधा अपना विकास करता है और ऊपर की ओर बालियों का मुंह मोड़ देता है। नोट करने वाली बात यह है कि गेहूं की बालियों में दाना भरने के लिए सर्वाधिक ज़रूरत पोटाश तत्व की होती है, जो गेहूं गिरने के बाद भूमि से उस मात्रा में नहीं हो पाती जिस मात्रा में पौधे को चाहिए होती है। यानी कि जब गेहूँ गिरती है तो पोटाश तत्व की पूर्ति ना होने के कारण गेहूँ पतली रह जाती है जिससे खेत में नुकसान होता है। साथ ही गेहूं का पौधा गिरने के कारण गेहूं की डंडी कमज़ोर हो जाती है, जो भूमि से ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बालियों तक नहीं पहुंचा पाती, एक कारण ये भी हो जाता है गेहूं में नुकसान होने का। साथ ही जब गेहूं का खेत गिरता है तो गिरने के कारण पौधे की डंडी डैमेज हो जाती है जिससे ज़रूरी पोषक तत्व गेहूँ की बालियों तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, तो डंडी का डैमेज होना भी एक नुकसान का कारण बनता है। तो इन्हीं दोनों की
क्षतिपूर्ति हमें करनी होती है वो किस प्रकार होती है बताते हैं। एक बार फिर गिरे हुए गेहूं की बालियां दिखाते हैं खेत के दूसरे हिस्से से। गिरी हुई लाओ बाल। ये सब मसाले किसके दाने दिखाई हो, इधर को दिखाओ। ना ना बस एक ही बहुत है इसको मसाले। पास को आ जाओ, यहाँ को आ जाओ। कच्चा है वो, इसका वो अलग ना हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। ये गिरी हुई बाल के दाने खेत के दूसरे हिस्से से एक बार फिर दिखा रहे हैं, पूरे भरे हुए दाने हैं। भाई रुक जाओ रुक जाओ। हालांकि बिल्कुल खड़ी बालियों में और गिरी हुई बालियों में 5 से 10% का पैदावार का अंतर हो सकता है। मैं पूरा दावे के साथ नहीं कह रहा कि बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जैसी स्थिति है बहुत अच्छी है। ये सारा कमाल रहा जो हमने वर्षा के मौसम के बाद स्प्रे की थी 52-34 की, ये सारा उसी का कमाल है जो हमारी गिरी हुई गेहूं में भी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि गेहूं का दाना भरने के लिए सर्वाधिक ज़रूरत पोटाश तत्व की होती है और डंडी को ताकत देने के लिए फास्फोरस की। तो हमने केवल 52-34 NPK का स्प्रे करा, और जैसे कि हमारा 1.5 एकड़ का खेत है तो इसमें हमने 3 एकड़ का 52-34 NPK 3 पैकेट का स्प्रे किया है, जिससे कि अपनी तरफ से कोई कमी हमने छोड़ी नहीं थी और हमारा पूरा साथ दिया कुदरत ने और हमारा नुकसान होने से बच गया। 52-34 स्प्रे करते समय जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारे किसान भाइयों को ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराना है, और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है और ये प्रैक्टिकल मेरा सफल हुआ। ये स्थितियाँ तो प्रतिवर्ष बनी जाती हैं, तो जानकारी के अभाव में किसी किसान भाई का नुकसान ना हो, यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है। गेहूं का खेत गिरने की वजह से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जानकारी की आवश्यकता है। और जितनी जानकारी मुझसे बनी और जितनी जानकारी मुझसे बन पड़ी उतनी मैंने उपलब्ध कराई है, और अब आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।